बहन का टूटा हुआ है, ठीक है, और बाकी तो नहीं है, बाकी सब ठीक है। चौहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जिनको भी फ्यूचर में मेघालय ट्रिप करना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे जिस तरह से मेघालय ट्रैवल करने में जो दिक्कतें आई हैं, वैसी दिक्कत आपको ना हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से पल्टन बाज़ार तक पहुँचा, और आज के वीडियो में मैं आपको पल्टन बाज़ार से बाइक कैसे और कहाँ से रेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, ताकि फ्यूचर में कभी मेघालय ट्रिप करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेघालय की हसीन वादियों का लुत्फ उठाना है, तो आप बाइक या सेल्फ ड्राइव कार से ट्रैवल करें। मैं आपको उस रेंटल शॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से मैंने बाइक रेंट करी थी, और वो था कोहुआ नॉर्थ ईस्ट ऑटोमोबाइल रेंटल सर्विस। तो चलिए सारा प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले मैंने गूगल पर सर्च कर इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, फिर इनसे बात करी, फिर इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू बाइक्स दिखाए और रेट भी बताया। बाइक पसंद आने के बाद उन्होंने रेंटल शॉप आने के लिए कहा। यह रेंटल शॉप पल्टन बाज़ार से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट करके बाइक रेंट कर सकें। तो चलिए बाइक कैसे रेंट करते हैं उसका सारा प्रोसेस जानते हैं। ऑफिस एंटर करने के बाद रेंटल सर्विस वाले आपको बाइक्स की लिस्ट दिखाएंगे बाइक सिलेक्शन के लिए, और इस लिस्ट पर डे के हिसाब से रेट भी लिखा हुआ है, और ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बाइक चाहिए। सबसे सस्ता 2-व्हीलर होंडा एक्टिवा 4G है, जिसका प्राइस पर डे 500 रुपीज़ है, और आप यहां से 4-व्हीलर भी रेंट कर सकते हैं। मैंने रॉयल इनफील्ड हिमालयन BS6 सेलेक्ट किया। बाइक सिलेक्शन के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें आपको सारा डिटेल्स जैसा कि आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और पिकअप एंड ड्रॉप डेट लिखना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको बिल बनाकर देते हैं, जिसे आपको संभाल कर रखना होता है। पेमेंट के बाद आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना होता है, और वह है बाइक की कंडीशन चेक करना। रेंटल शॉप वाले आपको कहेंगे कि इस बाइक की वीडियो बना लो, तो आप ज़रूर से बाइक का वीडियो बनाएं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ी में जहाँ जहाँ स्क्रैचेस हैं वो उसे दिखा रहा है। तो आप बाइक का अच्छे से वीडियो बना लें, ताकि इसे वापस करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं दूसरे रेंटल शॉप के बारे में, इसका नाम है फैब व्हील्स। इनसे भी व्हाट्सएप में हमने बात करी। बात करने के बाद हम गाड़ी लेने चले गए, और बात करें प्रोसेस की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकी सर्विस बिल्कुल बेकार थी। ना ही इनका कोई ऑफिस था, और ना ही इनका खुद का जगह। इनके लोकेशन में पहुँचने के बाद इनका ऑफिस ढूँढने में ही आधा घंटा लग गया। बाद में पता चला इनका तो कोई ऑफिस ही नहीं है। फिर गाड़ी पिकअप करने की बारी आई, तब भी इन्होंने 2 घंटे लेट हमें गाड़ी दी। सुबह 7 बजे बुलाकर गाड़ी हमें 9 बजे मिला, जिसके वजह से हमारा पूरा टाइमिंग गड़बड़ा गया। मन तो कर रहा था यहाँ से गाड़ी ना लें, मगर एडवांस दिया हुआ था, जिसकी वजह से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिस तरह कोहुआ रेंटल सर्विस ने हमें ट्रीट किया, ये ठीक उसका उल्टा ही था। इस बार मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर, और हमारा अगला डेस्टिनेशन है नंजरोंग। मैं अपने अगले वीडियो पे बताऊंगा कि हम लोग नंजरोंग कैसे पहुंचे, और हमें किस तरह की दिक्कतें आई हैं उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।